दोस्तों टाइम अंडर टेंशन, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं ना, सेम लोड सेम रैप के लिए आपका मसल कितनी देर अंडर टेंशन रहा वो बहुत मैटर करता है। जब आप वेट नीचे लेके आते हैं, वेट नेगेटिव रैप, तो उसको अंडर कंट्रोल रखें, आपके कंट्रोल में ही वेट नीचे आए, जैसे इस वीडियो में दिखाया है, थोड़ा स्लो रखें, कंट्रोल रखें, बार को चेस्ट पे टच करें, फिर पुश करें पूरा अपने मैक्सिमम एफर्ट के साथ। तो आप सेम रैप 10 या 12 रैप लगाते हैं सेम वेट से, और स्लो रैप नेगेटिव में आप ज़्यादा देर तक अंडर टेंशन रहे तो उसका ग्रोथ भी ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आप फटाफट लगाएंगे इस तरीके से जैसे वीडियो में दिखाया, तो वो थोड़ी देर में आपका सेट पूरा होगा, मसल पे पूरा लोड नहीं, टॉर्चर नहीं हुआ मसल आपका, उसका ग्रोथ भी आपको कम मिलेगा। या हमारे जो बिगिनर्स हैं वो ईगो लिफ्टिंग करते हैं, ज़्यादा वेट लगाना और ज़्यादा वेट लगाना, चाहे वो आपकी कैपेसिटी है नहीं लगाने की, आधे आधे रैप लगाएंगे, पर दिखाना है कि इतना कौन देख रहा है, आप 100 किलो 120 30 किलो की बेंच लगा रहे कौन नोटिस कर रहा है, आपने अपने लिए ट्रेनिंग करनी दिखाने के लिए नहीं, पूरा अंडर कंट्रोल लेके आओ वेट को, चेस्ट पे टच करो और फिर पुश करो स्पीड से, अंडर कंट्रोल लेके आओ, टच करो चेस्ट पे और फिर पुश करो। तो सेम ट्रेनिंग है, सेम रैप है, सेम लोड है, जो प्रोफेशनल उसकी ट्रेनिंग अलग हो उसका रिजल्ट अलग आएगा, आप लोग जो गलत फटाफट करते हैं प्योर पार्शियल रैप लगाते हैं आपको रिजल्ट नहीं मिलता सालों साल, फिर आप कंप्लेन करते हो कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, आएगा कहाँ से भाई, आप ट्रेनिंग गलत कर रहे हो। ये छोटी छोटी टिप है, इनका ध्यान रखो, आप इनको फॉलो करें तो जल्दी चैंपियन बनेंगे। थैंक यू।